गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। वो कैसे? आइए आपको बताता हूँ। क्या आपकी आंखें शर्म से नहीं झुकती जब आप नेता कांग्रेस पार्टी लोकसभा का ये बयान सुनती हैं? अच्छा अच्छा नहीं झुकती मगर क्यों? नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस नेता अधरंजन चौधरी के बयान को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने अंजना ओम कश्यप और स्मृति ईरानी को जमकर धो दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उनका भी स्लिप ऑफ टंग हो गया था। यह एक मानवीय भूल हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ऐसा ही हमारे नेता अधरंजन चौधरी जी के साथ हुआ। वे हिंदी भाषी नहीं है, उनसे भी स्लिप ऑफ तंग हो गया और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और स्मृति ईरानी देश से कब माफी मांग रहे हैं? और इसलिए नहीं झुकती क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं है। उन्होंने बोला मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और माफी मांग ली। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, मैं उनसे पलट कर पूछना चाहती हूँ। अब 2 महीने पहले प्रधानमंत्री की स्लिप ऑफ टंग हो गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। हमें लगता है स्लिप ऑफ टंग हुई थी, इसको हमने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। किसी से भी बोलने में हो सकती है, प्रधानमंत्री से भी हो गई थी, बेटी पटाओ बोल दिया उन्होंने। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ अभियान, तो हम क्या ये माने कि वो देश भर की महिलाओं का अपमान कर रहे थे, कोई षड्यंत्र रच रहे थे? उनको पता नहीं था कि पढ़ाओ और पटाओ में क्या अंतर है? पता था, लेकिन मानवीय भूल हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। मैं आपके शो में कुछ शब्द गलत बोल सकती हूँ, मैं उसके लिए माफी मांग सकती हूँ, जो कि अधरंजन चौधरी जी ने करी। बीच में मत बोलिए प्लीज। माफी मांगने की बात है, माफी प्रधानमंत्री मांगना शुरू करें अपने अमर्यादित बयानों की वजह से जो उन्होंने पूरे होशो हवास में इलेक्शन रैली में दिए हैं। ठीक, जो स्लिप ऑफ टंग नहीं है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, जर्सी गाय कहना। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति जी आज बहुत दहाड़ रही थी सदन में, स्मृति जी कहाँ थी जब हाथरस हुआ? स्मृति जी कहाँ थी जब लखीमपुर हुआ, जब उन्नाव हुआ? स्मृति जी क्यों नहीं बोलती जब लखीमपुर का चीरहरण होता है या उनका विधायक रेप का दोषी पाया जाता है? क्यों नहीं बोलती स्मृति ईरानी? मैं जानना चाहती हूँ आज। ये सेलेक्टिव आउटरेज नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी दोषी पाई जाएंगी अपने कर्मों की, ये ईश्वर उनको सजा देगा। लेकिन ये सच है कि उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, आज जो उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया है सोनिया जी के साथ, वो उनकी झुंझलाहट स्कैम में घिरे रहने के कारण है। और सवाल तो हम पूछेंगे कि अवैध बार गोवा का आप और आपका परिवार मिलकर क्यों चला रहा था? जवाब इसका देना था। आप जवाब बरगलाने का काम करते हैं, क्योंकि असलियत यह है कि उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, उनका फ्रस्ट्रेशन वो स्कैम से घिरी हुई है अवैध बैर के बार के चक्कर में, उसके तरह उनका झुंझलाहट दिख रहा है। मायावती जी को काली भैंस कहने वाले को इन्होंने दोबारा से दयाशंकर सिंह को मंत्री बना लिया। एक महिला का टिकट काटकर, स्वाति सिंह का टिकट काटकर दयाशंकर सिंह को टिकट दिया। ये बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 10 बयान आप सुनाएंगे, 15 बयान वो सुनाएंगे, फिर 20 बयान आप सुनाइएगा। प्यारी समझ गई। तो सही बात यह है कि जब आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के लोग अपशब्द बोलते हैं तो आपको सांप सूंघ जाता है। ये बात सही है, और सांप सूंघना लाजमी है आपके लिए। तो आगे लाकर चेक करने के बाद